दोस्तों, मैं अमरीक चंद लाखा अपनी फर्म अकाउंटिंग फर्म फ्रीमाउंट से बोल रहा हूं। आज मेरे ऑफिस में अजान जलंधरी साहब तशरीफ लाए हैं, उनके साथ प्रसिद्ध गायक और संगीतकार सरदार तलोक सिंह भी पहुंचे हैं। अजान जलंधरी साहब उर्दू, हिंदी तथा पंजाबी की बेशुमार पुस्तकों के लेखक हैं। हमारी गुजारिश पर अजाज साहब अपना कुछ उर्दू कलाम पेश कर रहे हैं, लीजिए आप भी सुनिए। हाँ जी लाखा साहब, मेहरबानी आपकी, धन्यवाद। आपने हमें हुक्म किया, मैं अपना उर्दू कलाम थोड़ा शुरू करता हूँ। मैं इनका अपने तलोक सिंह जी और उनके परिवार का भी शुक्रगुजार हूँ कि वो भी तशरीफ लाए हैं। और ये जो आज की हमारी मिलनी है, रस्मन है नहीं है, ऐसे कैजुअली मिले हैं। तो लीजिए, आप लोगों से दरख्वास्त है कि उर्दू जबान जो है ये बहुत सलीस है, इसमें शायरी के लिए मैंने बहुत ही सिंपल उर्दू में जो भी कहा तो सबसे पहले उस परवरदगार आलम उसकी तारीफ में एक गजल कह रहा हूं। तू ही मंदिर में है, मस्जिद में तू है। तू ही मंदिर में है, मस्जिद में तू है, तेरा जलवा जहां में चार सू। तू ही मंदिर में है, मस्जिद में है, तेरा जलवा जहां में चार सू है। तू रहता है हर एक इंसान के दिल में, तू रहता है हर एक इंसान के दिल में, मगर फिर भी तुम्हारी जुस्तजू है। मेहरबानी। तू रहता है हर एक इंसान के दिल में, मगर फिर भी तुम्हारी जुस्तजू है। कहीं पर आरती हो या अजां हो, अजां जेड़ी मस्जिद विच ओ करके बोलते हैं, आरती तुम समझते हो। कहीं पर आरती हो या अजां हो, हमें तो सुबह की बस आरजू है, हमें तो सुबह की बस आरजू है। तो शेर सुनना, मिले दिल खोल कर ये आदमी से, मिले दिल खोल कर ये आदमी से, इसी में आदमी की आबरू है। मिले मेहरबानी, मिले दिल खोल कर ये आदमी से, इसी में आदमी की आबरू है। एक शेर काबिले गौर है तलोक सिंह जी, है झगड़ा किस लिए रंगो नस्ल का, है झगड़ा किस लिए रंगो नस्ल का, सुर्ख जब सबका ही रंगे लहू है। मेहरबानी। है झगड़ा किस लिए रंगो नस्ल का, सुर्ख सबका ही जग जब रंगे लहू है। यहां दुश्मन नहीं कोई किसी का, यहां दुश्मन नहीं कोई किसी का, ये खुद इंसान ही अपना उदू है। उदू मैंने दुश्मन, यहां कोई किसी का दुश्मन नहीं है, इंसान जो कर्म करता है उसी की वजह से खुद ही दुश्मन है, दुश्मन बन जाता है। आओ आजाद हम दिल साफ कर लें, आओ आजाद हम दिल साफ कर लें, यही स्नान है यही वजू है। आओ आजाद हम दिल साफ कर लें, यही स्नान है यही वजू है। तू ही मंदिर में है, मस्जिद में तू है, तेरा जलवा जहां में चार सू है। तू रहता है हर एक इंसान के दिल में, मगर फिर भी तुम्हारी जुस्तजू है। बहुत अच्छी बात कही है आपने, भगवान की उस्तत में। हाँ जी, हाँ जी, दुनिया में सभी भगवान का ही जलवा है, उस चारों ओर वही है, वही है। तो मंदिर में भी वही है, मस्जिद में भी वही है, गुरुद्वारे में भी वही है, गुरुद्वारे में गिरजा घर में वही है, उसकी सब ये संसार की रचना रची हुई है। हम इंसान ही है जो एक दूसरे में बितकरा करते हैं। हाँ जी, क्योंकि इंसान ही सबसे बड़ा दुश्मन है अपना, क्योंकि उसको कई बार किसी की कोई आप तारीफ करो तो पसंद नहीं है। तो लीजिए, हमारा काम है कि हम जो लेखक हैं, हमारा काम है कि हम तो वो बिगल बुझा कर होका देते हैं, लोगों को दिखाते हैं। तो फनकार जो हैं उनका थोड़ा जिम्मेदारी होती है, तो
तो मैं ये दो चार शेर अर्ज कर रहा हूँ त्रिलोक सिंह जी, हम हैं फनकार जमाने से गुजर जाएं, हम हैं फनकार जमाने से गुजर जाएंगे, खाली दामन है जो सब प्यार से भर जाएंगे, खाली दामन है जो सब प्यार से भर जाएंगे, बुलबुलें रोएंगी जब हम ना हुए नगमा सरा, जब आजाद साहब नहीं बोलेंगे तो लोग कुछ ना कुछ महसूस करेंगे, हाँ जी, बुलबुलें रोएंगी जब हम ना हुए नगमा सरा, चेहरे फूलों के गुलिस्ता में उतर जाएंगे, चेहरे फूलों के गुलिस्ता में उतर जाएंगे, हमको लेने के लिए उसने जो भेजा कासिद, हमको लेने के लिए उसने जो भेजा कासिद, गजलें गाते हुए अल्लाह के घर जाएंगे, हमको लेने के लिए उसने जो भेजा कासिद, गजलें गाते हुए अल्लाह के घर जाएंगे, जब तलक जिंदा है, काबले गौर शेर है, जब तलक जिंदा है तूफान उठा रखेंगे, मरना होगा तो बड़े चैन से मर जाएंगे, जब तलक जिंदा है तूफान उठा रखेंगे, मरना होगा तो बड़े चैन से मर जाएंगे, मक्ता पेशे जनाब, कोई आजाद करे प्यार या नफरत हमसे, कोई आजाद करे प्यार या नफरत हमसे, अरे हम हैं दरवेश दुआ दे के गुजर जाएंगे, गुजर जाएंगे, हम हैं फनकार जमाने से गुजर जाएंगे, खाली दामन है जो सब प्यार से भर जाएंगे। क्या बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत लाइन थी, ख्याल बहुत बढ़िया था, बस ख्याली है अमरीकी ख्याली तो अच्छा होना चाहिए, तुकबंदी तो सभी करते हैं, जी यही तो आपकी शायरी की खासियत है एजाज साहब, आप जो एक साधारण लोगों की बात करते हैं और साधारण बोली में बात करते हैं, जो लोगों को समझ आती है, जो लोगों की जिंदगी की बातें होती है, इसीलिए आपकी जो शायरी है, आपके कलाम है, इतने हरमन प्यारे हैं, लोगों को बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि लोगों को समझ आ जाते हैं। तो मेरा जो भी 35 साल का तजर्बा है आपके साथ बैठने का, सुनने का, यही मैंने देखा है कि आपके जो ख्याल तो अच्छे होते ही हैं, लेकिन जो आपकी भाषा है, जो लैंग्वेज है, बहुत ही सिंपल होती है, वो साधारण लोगों के को समझ में आ जाती है। मेहरबानी में अमरीक जी, आपने हमें मौका दिया, तो लीजिए एक गजल और त्रिलोक सिंह जी कह सकता हूँ। हाँ जी ये है कि कई बार हम लोगों में मिलते हैं तो बात मामूली सी होती है, वो बात का बतंगड़ नहीं कहते, वो बना देते हैं बात, हाँ जी, तो उस पर गजल लिखी है। ये गजल जब मैंने लिखी थी तो जितने भी लोगों ने, पाकिस्तान के लोग आए थे, मुशायरा हुआ था, तो वो रात को फोन आए मुझे कि ये गजल की कॉपी हमें भेजो, क्योंकि लोगों की बात थी। बात को इतना बढ़ा देते हैं लोग, बात को इतना बढ़ा देते हैं लोग, राई का पर्वत बना देते हैं, बात को इतना बढ़ा देते हैं लोग, राई का पर्वत बना देते हैं लोग, बात करते हैं कुछ इस अंदाज से, बात करते हैं कुछ इस अंदाज से, आग पानी में लगा देते हैं, बात करते हैं कुछ इस अंदाज से, आग पानी में लगा देते हैं लोग, बात लोगों की हो तो चलती रहे, दूसरों की बात है, दूसरों की बात है ना, जितनी देर मर्जी करते रहो, बात हो लोगों की तो चलती रहे, बात अपनी हो दबा देते हैं, बात लोगों की हो तो चलती रहे, बात अपनी हो दबा देते हैं लोग। एक शेर है इसमें, ये भी आम लोगों का है, कि घर के मालिक को सुलाकर बेखबर, घर के मालिक को सुला कर बेखबर, फिर ये चोरों को जगा देते हैं, घर के मालिक को सुला कर बेखबर, फिर ये चोरों को जगा देते हैं लोग, कुछ तो खुद तो जलते हैं हसद की आग में, जल से खुद तो जलते हैं हसद की आग में, दूसरों को भी जला देते हैं लोग, मेहरबानी,
खुद तो जलते हैं हसद की आग में, दूसरों को भी जला देते हैं लोग। आपको आजाद ये बख्शेंगे क्या जी? आपको आजाद ये बख्शेंगे क्या? ये खुदा को भी धगा देते हैं लोग। आपको आजाद ये बख्शेंगे क्या? ये खुदा को भी धगा देते हैं लोग। बात को इतना बढ़ा देते हैं लोग, राई का पर्वत बना देते हैं। बात हो गैरों की तो चलती रहे, बात अपनी हो दबा देते हैं। क्या बात, बहुत 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 ही प्यारी नज़्म थी एजाज साहब। आज बिल्कुल जी, लोगों की बात है तो इसलिए कुछ ना कुछ हमारे पास जो कुछ भी है वे जो हमें तजुर्बे से मिला वही हम लिखते हैं, और कुछ नहीं लिखते जी। क्योंकि बात भी वही है, क्योंकि जब तक लोगों की बात हमें समझ नहीं आती, जब तक हमने संसार में विचरना नहीं, लोगों से मिलना नहीं, जो उनको कुछ तकलीफें, कुछ लिखने वाले को तकलीफ रहती है क्योंकि वो तो ढूंढता है कि मुझे कोई सब्जेक्ट मिले जी, जी। लेकिन लोगों को बड़ी तकलीफें हैं, इसलिए आपने बहुत सुना होगा मेरी काफ़ी सारी पंजाबी की। चलो ऐसा करते हैं, कुछ एक छोटी सी और गज़ल कहता हूँ जी। अमरीक जी, आजकल लोग जो हैं ना उनके नाम बड़े जी, बहुत बड़े बड़े नाम हैं। धरती सकेल सिंह किसी का नाम है किसी का कुछ नाम है जी, जी। वो उनकी इसमें तीन चार शेर हैं, इसमें मैंने उन लोगों के बारे में लिखा है कि त्रिलोक सिंह जी कुछ लोगों के नाम बड़े जी, जी। कुछ लोगों के नाम बड़े हैं, कुछ लोगों के काम बड़े, वाह कुछ लोगों के नाम बड़े हैं, कुछ लोगों के काम बड़े हैं। तो यहाँ पे एक शेर है, कैसे प्यार करे कोई मुफलिस निर्धन, कैसे प्यार करे कोई मुफलिस उल्फत के अब दाम बड़े, कैसे प्यार करे कोई मुफलिस उल्फत के अब दाम बड़े हैं। एक शेर काबिले गौर है, जाने कौन सा लब तक पहुंचे, देर इज ए डिफरेंस बिटवीन कप एंड लिप्स जी, जी। जाने कौन सा लब तक पहुंचे मैं खाने में जान बड़े हैं, जाने कौन सा लब तक पहुंचे मैं खाने में जान बड़े हैं। शेर देखिए, हमको रुसवा करने वाले जी, हमको रुसवा करने वाले खुद भी तो बदनाम बड़े, हमको रुसवा करने वाले खुद भी तो बदनाम बड़े हैं। आखिरी इसका मक्ता पेश कर रहा हूँ, तुम कैसे आजाद बचोगे जी, तुम पर भी इल्जाम बड़े हैं, तुम कैसे आजाद बचोगे, तुम पर भी इल्जाम बड़े हैं, कुछ लोगों के काम बड़े हैं, कुछ लोगों के नाम बड़े हैं, कैसे प्यार करे कोई मुफलिस उल्फत के अब दाम बड़े हैं, क्या बड़े हैं, हमको रुसवा करने वाले खुद भी तो बदनाम बड़े हैं, बड़े हैं, तो तुम कैसे आजाद बचोगे, तुम पर भी इल्जाम बड़े हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी जनाब, आपने एक छोटी सी चार तकरीबन चार लाइनों की, आठ दस लाइनों की गजल में सारी दुनिया बंद कर दी है, सब कुछ कह दिया है। यही आपकी शायरी की खासियत है कि छोटी छोटी देखो इसकी लाइनें हैं, लेकिन जो इसमें आपने बताया है या पेश किया है, सारी दुनिया के दुख दर्द और जो मुसीबतें इसमें बंद कर दिया आपने, यही आपकी शायरी की खासियत है। तो यार साहब, जब आप लिखते हैं जरूर आप ये चीजें महसूस करते होंगे, देखते होंगे, जब जमाने से गुजरते हैं, बाकायदा आपको भी ऐसी मुसीबतों से निकलना पड़ा होगा, इसीलिए तो ऐसे ख्याल आते हैं, आप महसूस करते हैं, आप देखते हैं जी जी। तो ये तजुर्बा है, शायर हमेशा जो शायर फिलोसफर है उसको दुनिया नहीं समझती जी, शायरी है हम जो लोगों से मिलते जुलते हैं, उनमें विचरते हैं जी, उनके हालात देखते हैं, लोगों की बात करते हैं जी, तो इसलिए वो बात कभी कई बार ऐसा होता है कि ये बात हमें
हम लोगों का दुख दर्द लेते हैं तो थोड़ी हमारे दिल पे बोझ सा हो जाता है, असर होता है, असर होता है। तो एक दो तीन शेर, सिर्फ दो तीन शेर और कहूंगा जी। एक सन्नाटा लिए आई है रात, सन्नाटा बहुत सार, बहुत सारे लोग त्रिलोक सिंह जी रात को सोते उनको नींद नहीं आती, परेशानी बड़ी है जी, कुछ दोस्तों ने उनको सताया होता है जी, कुछ घर वाले भी सताते हैं, सही बात, कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं जी, जी। तो वो रात को एक ऐसा ही हमारा दोस्त भाई कहता है, एक सन्नाटा लिए आई है रात जी, एक सन्नाटा लिए आई है रात, फिर मेरे एहसास पर छाई है रात, एक सन्नाटा लिए आई है रात, फिर मेरे एहसास पर छाई है रात। वो शायर क्यों डर रहा है, रात भर गुजरेगा दिल से जो मेरे, रात भर गुजरेगा दिल से जो मेरे, कारवां यादों का एक लाई है रात, गुजरेगा दिल से जो मेरे, कारवां यादों का एक लाई है रात। तो फिर कहता है शायर, सुन सकेगी क्या ये मेरी दास्तां, सुन सकेगी क्या ये मेरी दास्तां, सोच कर दिल में ये घबराई है रात, सुन सकेगी क्या ये मेरी दास्तां, सोच कर दिल में ये घबराई है रात। इसमें एक शेर है, आ भी जा आजाद, आ भी जा दो पल, आ भी जा के होने वाली है सहर, माफ करना जी, जी। सहर सवेरा, सारी सारी रात तक निकल दी जा रही है, होते आ जाता हूँ, आ भी जा के होने वाली है सहर जी। मैंने जो कुछ देर अटकाई है, वाह वाह वाह, आ भी जा के होने वाली है सहर, मैंने ये कुछ देर अटकाई है रात, रोज दे जाती है तन्हाई मुझे, रोज मक्ता पेश है जनाब, अमरीक जी, रोज दे जाती है तन्हाई मुझे, किसने ये आजाद बहकाई है, किसने ये आजाद बहकाई है रात, एक सन्नाटा लिए आई है रात, फिर मेरे एहसास पर चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, आपने तो हमें घायल कर दिया है, इतनी बड़ी बड़ी बातें कह दी है, देखो इतनी बड़ी फिलॉसफी इस गजल में आपने डाल दी है। अक्सर दुनिया में ज्यादातर लोग इसी हालातों में से गुजरते हैं, इसी हालात में से गुजरते हैं, हमारे दोस्त भी होते हैं, लोग कहते हैं ना हमारे पास हम गरीब आदमी हैं, न जाने सजा किस जुर्म की मिली है कि मैं आसमान से उतारा गया हूँ, जमाना जिसे जिंदगी कह रहा है, मैं वो जिंदगी दे के मारा गया हूँ, मैं वो जिंदगी दे के मारा गया हूँ। तो इसमें कुछ लोग फिर जब दोस्तों से तंग आते हैं तो दिल से पूछते हैं, दिल से बात करते हैं, चल चले है दिल रियाकारों से दूर, जो दिल दे खोटे होते हैं, चल चले ऐ दिल रियाकारों से दूर, प्यार के दुश्मन स्याहकारों से दूर, चल मोहब्बत के उजालों में चले, मोहब्बत के उजालों में चलें, चल मोहब्बत के उजालों में चलें, इन अंधेरों के खरीदारों से दूर, वाह वाह वाह, चल मोहब्बत के उजालों में चलें, इन अंधेरों के खरीदारों से दूर। कुछ लोग जो रात में खड़े काम कर रहे हो, गलत काम करते हैं, चल मोहब्बत के उजालों में चलें, इन अंधेरों के खरीदारों से दूर, चोट खाकर फूल से, हमें फूल बड़े प्यारे लगते हैं जी, जी, जी। चोट खाकर फूल से दिल ने कहा, चोट खाकर फूल से दिल ने कहा, हम रहे फूलों से या खारों से दूर, वाह वाह वाह, बहुत खूब, हम रहे फूलों से या खारों से दूर,
क्या बात, चोट खाकर फूल से दिल ने कहा हम रहे फूलों से या खारों से दूर। एक शेर इसमें है, इनकी सोबत में घुटा जाता है दम। वाह, इनकी सोबत में घुटा जाता है दम, ले जाओ इन बेवफा यारों से दूर। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। इनकी सोबत में घुटा जाता है दम, ले चलो इन बेवफा यारों से दूर। कोश कर आजाद तू जल जाएगा जी, चल चले नफरत के अंगारों से दूर। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। कोश कर आजाद तू जल जाएगा नफरत के अंगारों से दूर, चल चले दिल रियाकारों से दूर, प्यार के दुश्मन से आकारों से दूर। क्या बात, बहुत अच्छी नजर आपकी गजल है यार साहब। मेहरबानी जनाब। देखो, हम अक्सर फूलों से प्यार करते हैं, फूल हमें हाँ जी बड़ी खुशी देते हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, लेकिन महक देते हैं, लेकिन आपने इसका इस्तेमाल किया कि हम फूलों से जख्म खा रहे हैं, फूलों से। देखो, ये ख्याल है, आप किस नजरिए से आपने पेश किया है। अक्सर हम जब फूलों की बात आती है तो प्यार की बात आती है, खुशी की बात आती है, लेकिन आपने नजर में बोला है कि फूलों से भी डर लगता है। और है कि आदमी जब बूढ़ा होता है, देखो ये तो जाना आना तो ऊपर वाले के बस में है, कब कोई जाता है, किस वक्त चला जाता है किसी को पता नहीं जी। लेकिन वो कहता है कि मैंने इतने जख्म खाए हैं लोगों से, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब वक्त है जाने का। वो कहता है नजा का वक्त है, नजा का वक्त वो होता है जब आदमी जाने लगता है जी, तो आखिरी सांसें आती हैं उसको, उसको मालूम हो जाता है कि मैं जा रहा हूँ। फिर घर वाले क्या करते हैं, फटाफट इनको लहद बना के ना घरों में तो उसमें लिटा देते हैं, उसको लहद बोलते हैं जब उसमें जी, जी। तो उसके लिए दो तीन शेर हैं, ज्यादा नहीं, ये भी एक बिल्कुल हकीकत है जी। निजा का वक्त है जी, लेकिन अभी कोई जान बाकी है। निजा का वक्त है लेकिन अभी कुछ जान बाकी है, कफन के साथ कोई लिपटा हुआ अरमान बाकी है। वाह 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 वाह, निजा का वक्त है, निजा का वक्त है लेकिन अभी कुछ जान बाकी है, कफन के साथ कोई लिपटा हुआ अरमान बाकी है। तो वो उसको उम्मीद होती है कि शायद वो अब भी आ जाए जी, तो जी। कहता लहर में हूं पड़ा लेकिन निगाहें बंद नहीं जी, लहर में हूं पड़ा लेकिन निगाहें बंद नहीं होती जी। किसी कम जर्फ के आने का अभी अमकान बाकी है जी, जी, अभी किसी की इंतजार है, अभी किसी की इंतजार है जी। निजा का वक्त है, लहद में हूँ पड़ा लेकिन निगाहें बंद नहीं होती, किसी कम जर्फ के आने का अभी इम्कान बाकी है जी। शेर है, काबले पड़ी हैं फर्श पर चारों तरफ बिखरी हुई यादें। पड़ी हैं फर्श पर बिखरी हुई चारों तरफ यादें जी, मेरे घर में किसी मेहमान का सामान बाकी है। बहुत पड़ी है फर्श पर बिखरी हुई चारों तरफ यादें जी, मेरे घर में किसी मेहमान का सामान बाकी है। शेर है अमरीक जी, मेरे मरने पे तुम रुसवा न करना मेरी मैयत को जी, मेरी मैयत को, जैसे मेरी हाँ मेरी मजार को, अर्थी को जी, मेरे मरने पे तुम रुसवा न करना मेरी मैयत पे जी, मेरी मैयत को जी। कहो यारो अगर तुम्हारा कोई एहसान बाकी, वाह वाह वाह, कहो यारो तुम्हारा अगर कोई एहसान बाकी है, कफन अपना सिया हमने खुद गुर्बत के दागों से, बहुत गरीबी देता गया, कफन अपना सिया हमने खुद गुर्बत के धागों से जी। चले आजाद हम लेकर हमारी शान बाकी है। वाह 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 वाह, कफन अपना सिया आजाद गुर्बत के धागों से,
चले आजाद ले चले आजाद हम लेकिन हमारी शान निजा का वक्त है लेकिन अभी कुछ जान बाकी कफन के साथ कोई लिपटा हुआ अरमान बाकी। बहुत बढ़िया ख्याल है जाज साहब। वाजी समा है यही तो बात है, यही हकीकत है ना। ये तो यार जो भी इस दुनिया में पैदा होता है उसने जाना है। हाँ जी, लेकिन लोगों की आशाएं होती है कुछ अपनी वो पूरी नहीं होती। हाँ जी, जाते वक्त भी हम आस करते हैं कि वो शायद पूरी हो जाए।